और दोस्तों यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन का संबंधित में। हम यहाँ बात कर रहे हैं क्रैक सीआईबी एग्जाम इन 20 डेज, 20 दिन में आप कैसे सीआईबी एग्जाम को निकाल सकें। तो पहला सवाल ये है कि शुड आई प्रिपेयर सीआईबी एग्जाम और नॉट एज आई हैव नॉट स्टार्टेड। ठीक है, आपके मन में सवाल है कि क्या मुझे सीआईबी एग्जाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, अभी तक मैंने पढ़ाई चालू नहीं किया है। देखिए, आप एग्ज़ाम तो देना ही चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आपके पैसे लग चुके हैं, पैसा भर दिया है। और ये भी स्वाभाविक है, कुछ लोग एग्ज़ाम सेंटर जाएंगे एग्ज़ाम देने, कुछ लोग नहीं भी जाएंगे, कुछ लोग ये सोचते हैं कि पेपर देखने चले जाते हैं। तो पेपर देखना अलग चीज़ है यार, पेपर वो मैटर नहीं है। मतलब यहाँ पे ये है कि आप एग्ज़ाम सेंटर जाओगे, नहीं पढ़ के जाओगे तो फेल करोगे, पढ़ के जाएंगे तो एक पॉसिबिलिटी भी, एक संभावना है कि आप शायद पास कर जाए। फिर एक दूसरा सवाल होता है, क्या सीआईबी एग्ज़ाम को 20 दिन में पढ़ के पास किया जा सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल पास किया जा सकता है, कोई घबराने की बात नहीं है। 20 दिन काफ़ी समय होता है और अभी तक मैंने पढ़ाई चालू भी नहीं किया है। अभी तक अगर पढ़ाई नहीं भी चालू किए हैं तो भी आप सीआईबी एग्जाम को 20 दिन में हंसते खेलते पास कर जाएंगे। अब एक सवाल है कि शुड आई लीव न्यूमेरिकल या केस स्टडी। देखिए, सीआईबी में न्यूमेरिकल और केस स्टडी रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो अभी सवाल है कि छोड़ना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए? हमारा जवाब है कि सीआईबी में केस स्टडी और न्यूमेरिकल को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे कम से कम, मैं मिनिमम टू मिनिमम बता रहा हूँ, 40 मार्क्स के सवाल पूछेंगे आपसे न्यूमेरिकल या फिर केस स्टडी के सेक्शन से, ठीक है। कभी कभी 50 नंबर के पूछे जाते हैं, कभी कभी दिमाग घुमा तो इनका 7-7 नंबर का सवाल पूछ लेते हैं। जब इतने नंबर के सवाल पूछेंगे और आप नहीं बता पाओगे तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करके जाना है। बेसिकली सीआईबी में फेल करने का सबसे बड़ा रीज़न है, लोग केस स्टडी को नहीं पढ़ते हैं, केस स्टडी को ध्यान नहीं देते हैं। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि मैकमिलन बुक में अगर आप जाएंगे तो केस स्टडी ढूंढना भी चाहेंगे, एक केस स्टडी नहीं है। मैकमिलन बुक से जो लोग पढ़ रहे हैं उसमें आपको एक सिंगल केस स्टडी नहीं मिलेगा, तो यहाँ ये भी चक्कर है, ठीक है। और आई डोंट नो एनीथिंग इन न्यूमेरिकल या केस स्टडी, अगर आपको कुछ नहीं भी मालूम है तो भी घबराना नहीं है। कि अगर आप वीडियो को रेफर करेंगे समझेंगे तो वहाँ पर सारा चीज़ बताया हुआ है न्यूमेरिकल और केस स्टडी के लिए, तो आपको घबराना ही नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। अब मुझे रास्ता, मतलब क्वेश्चन है कि प्लीज टेल मी हाउ कुड आई पास। अब एक सीधा सा क्वेश्चन है कि मुझे ये बताइए कैसे पढ़ूँ, कैसे क्या करूँ कि मैं पास कर जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिसको कि आपको फॉलो करना चाहिए। पहला ये है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पढ़ाई चालू करिए, ठीक है। और यहाँ पे डेली शेड्यूल बनाइए, 4 घंटा आपको आप बना लो, 4 घंटा मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। अब वो 4 घंटा में क्या है, 1.5 घंटा आप ABM को पढ़ोगे, 2 घंटा BFM को पढ़ोगे और आधा घंटा रिटेल बैंकिंग को पढ़ोगे आप, ठीक है। और ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करिए, खासकर सैटरडे संडे, नेशनल हॉलीडे या स्टेट हॉलीडे, जो भी छुट्टी आपको मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे आप 3 तरह का नोटबुक खरीद लीजिए। जब वीडियो देखिएगा तो प्लीज़ नोट बनाइएगा उसका, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। केस स्टडी का भी जो वीडियो है, केस स्टडी जो सेक्शन आपको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ सब 40 नंबर कम से कम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेक्शन से। इसके लिए भी नोटबुक खरीदा उसको आप नोट बनाएं, उसको पूरा लिखें, वीडियो को देखें, समझें, ठीक है, कैसे वीडियो क्वेश्चन को वीडियो में सॉल्व किया जा रहा है, इसको आप समझ में आ जाएगा तरीका, आप आसानी से पढ़ लेंगे। और उसके बाद हमारा 2000 सेट का क्वेश्चन बैंक है, जिसको 2 भाग में हमने बांटा हुआ है। एक भाग है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और एक भाग है जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं आप। फिर है कि आपको फॉरगेट, आप भूलना नहीं है इसमें। इसमें एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट रखता है कि एडिशनल रीडिंग मटेरियल भी पढ़ना होता है इसमें, प्लस उसका वीडियो भी आपको देखना जरूरी है यहाँ पे। और आपको पता चले कई क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक से, वैसे ही आपको महसूस होगा। ये सारा स्टेप करेंगे तो आप एग्ज़ाम बिल्कुल हंसते खेलते पास कर जाएंगे, ठीक है। JIB CIB का एक मेगा ऑफर है, यहाँ पे हम आपको जो JIB CIB के जो कोर्सेज ऑफर करते हैं, ये सारी कोर्सेज ऑनलाइन मोड पे होता है। इसका आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, जिसके हेल्प से सारा वीडियो लेक्चर कोर्सेज आप कर सकते हैं, केस स्टडी का वीडियो देख सकते हैं, 2000 सेट का क्वेश्चन बैंक कर सकते हैं, क्विक रिवीजन नोट रहेगा और मॉक टेस्ट रहेगा। अगर आप कोई भी सिंगल JIB CIB या फिर बैंक प्रमोशन पेपर खरीदते हैं, इसका दाम है 2000 रुपये, यही चीज़ ऑफर प्राइस में 600 रुपये का है। अगर आप JIB का कॉमो पैक खरीदते हैं, दोनों पेपर एक साथ खरीदते हैं, इसका दाम है 4500 रुपये, ऑफर प्राइस से 1500 रुपये है। अगर आप CIB का दोनों कंप्रेसर पेपर खरीदते हैं, ABM+BFM, जिसका दाम है 3500 रुपये, ऑफर प्राइस में 1100 रुपये है। अगर आप CIB का दोनों कंपलसरी पेपर प्लस रिटेल बैंकिंग खरीदते हैं, इसका दाम है 4500 रुपये, ऑफर प्राइस में 1500 रुपये है। 10 मॉक टेस्ट खरीदते हैं, कोई पेपर का दाम है 199 रुपीज़, और कॉम्बो पैक के मॉक टेस्ट का 399 रुपीज़। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर हो गया
4 टाइम 9 6 8 5 1 2 7। दूसरा नंबर है 7 8 2 7 5 4 6 9 4 6। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट www.jibcibsodimeter.com, ईमेल आई डी ओ के सी 3 एट 2 3 @gmail.com।